हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे आजकल सभी बिजनेस चलते ही हैं ऑनलाइन, जिनको एफिलिएट मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे ही बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट हैं, एप्लीकेशन जिनके माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग की जाती है, जिनके स्टॉक्स वगैरह भी होते हैं, ग्रोथ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आज ऐसा ही एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बिगयानी। तो उसका जो डैशबोर्ड है, किस तरीके से हमें सेटअप करना है और किस तरीके से उसका जो क्रिएट अकाउंट वगैरह करना है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में चलें। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सर्च कर लेना होगा सबसे पहले bigyani.com। सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद में जो सबसे पहले वाला ऊपर वाला ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर हम ओके करेंगे bigyani.com। अब यहाँ पे आपको एक व्यक्ति का जैसे राइट हैंड ऊपर में, तो इसके ऊपर ओके करेंगे तो इसमें लिखा होगा एक लॉग आउट और डैशबोर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। तो डैशबोर्ड में जाने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, तो सबसे लॉगिन कर दें। जैसे कि यहाँ पे लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 00 दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ओके करना है, नीचे की तरफ आना है, तो आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिख जाएगा। तो प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे जाने के माई कोर्स, आप कोर्स पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे सभी कोर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाती है, तो आपका पैकेज है जो कौन सा हुआ है, सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ठीक है, माई प्रोफाइल पे गए और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जाना है और नीचे आपको अकाउंट नंबर ऐड वगैरह करना होता है। यहाँ पे सब कुछ एडिट पे जाना, प्रोफाइल एडिट पे ओके किया, ऊपर स्क्रॉल करते हैं थोड़ा, यहाँ पे बैंक वगैरह डाल दें अपना। ठीक है, यहाँ पे सभी चीज़ें डाल सकते हो आप, A to Z, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे आप इमेज पे जाएंगे और फाइल पे जाएंगे, कोई भी प्रोफाइल है जो आप उसको लगा सकते हैं। जो आपको लगे कि ठीक है, उसके बाद में बैंक का नाम डाल दें, जो आपका बैंक है, उसके बाद UPI ID डाल दें, UPI डाल दें तो ये भी अच्छा होता है, UPI ID डाल दें, UPI ID भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देते हैं, और अकाउंट नंबर पूरा डाल दें, और यहाँ पे IFSC कोड डाल दें। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे ओके कर दें। तो यहाँ पे जो कुछ हमने एक बार ऊपर स्क्रॉल करेंगे और दोबारा से जाएंगे माई प्रोफाइल और इसमें जाके देखोगे तो आपकी सभी डिटेल वगैरह आपको दिख जाएगी। ठीक है, आपका बैंक वगैरह अकाउंट नाम है जो भी आपने डाला है, सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है कि आप शेयर लिंक, तो शेयर लिंक पे यहाँ पे एक रेफर लिंक भी होता है, शेयर लिंक करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉपी लिंक दिया होगा, यहाँ पे जाके आप कॉपी कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेमेंट हिस्ट्री में जाकर आप पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि कितने का पेमेंट हुआ इसमें, नहीं हुआ या नहीं हुआ। ठीक है,
ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे टीम, आप टीम देख सकते हो कि आपकी टीम कौन सी है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो प्रोफाइल, मैंने आपको बताया गया है। सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन में जाके क्लिक एयर पे ओके करेंगे और एक सर्टिफिकेट होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो और मैं आगे बताऊंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते, अगर मन में कहीं कोई सवाल का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल से संबंधित, इसमें क्रिएट अकाउंट कैसे करते हैं उससे संबंधित जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप मुझे बताइए, मैं सब चीज़ें आपको बताऊँगा। आज के लिए इतना।